स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। आज हम ईद के लिए कपड़ा लेने जा रहे हैं। कपड़े से याद आया, इंसान बहुत सारे पैसे कपड़े पे खर्च कर देता है, पर बेहतरीन लम्हा तो बगैर कपड़ों के ही गुजरता है। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, चलते हैं अपने एक दोस्त की दुकान में। उसने बहुत बार कहा था कि आके ले लो कपड़ा। सलाम अलैकुम ब्रो। लाग रुपये डाल लो तोरे। फिर भाई हमको दुकान में ले गए। दुकान के सामने एक बड़ा शीशा था, टिकटॉक स्टाइल में दो चार सेल्फी ले। उसके बाद भाई ने उठा उठा के दिखाई बहुत सारी जींस। भाई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जींस दिखाने की, पर हमें ही पता नहीं क्यों कोई भी जींस पसंद नहीं आई। तो दोबारा आएंगे यहाँ पर जींस लेने। उसके बाद भाई ने एक ब्लैक जींस दिखाई जो पसंद आ गई, इसको आएंगे कल लेने। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खड़ा होकर गाली दे रहा है, क्योंकि इसकी इतनी सारी जींस निकलवा दी और ली एक भी नहीं। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक जूते की दुकान है, तो हम जूते की दुकान में गए और बोले कि एक सफ़ेद जूता दिखा दो। उसके बाद ये भाई भी भिड़ गए पूरी मेहनत से जूता दिखाने के लिए। भाई ने बहुत सारे जूते दिखाए, पर जैसा जूता हमें चाहिए था वैसा जूता इनके पास नहीं था। ना ही जूता लिया ना ही जींस ली। वो लोग मन में गाली दे रहे होंगे, क्योंकि हम जिस तरह का मन बना कर गए थे जींस जूता लेने के लिए, उस तरह का हमें मिला ही नहीं। आवाज़ थोड़ा ख़राब है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, आवाज़ निकल नहीं रही है। फिर ये सब चूतियापा करके हम लोग घर की तरफ निकल दिए। रोज़ा खोलने का समय हो रहा है, इसलिए रोड पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये हसवर मार्केट है, यहाँ पर आज सोमवार की बाज़ार लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है। ये जो सामने ब्लैक कार चल रही है, मन कर रहा है इस चूतिया को उतार कर मारूँ चार चप्पल, भोसड़ी का साइड ही नहीं दे रहा है। तो भाइयों कपड़ा वपड़ा लिया नहीं, अब जा रहे हैं घर, कल आके लेंगे। तो हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट पेल दो।